नमस्कार, आज है 28 जुलाई 2019 और आज कंडक्ट किया गया था एलटी का एग्ज़ाम, लैंग्वेज टीचर का एग्ज़ाम। तो जितने भी जीके के क्वेश्चन हमारे पास हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90 है, सेक्स रेशो वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया एज़ पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का जो रैंक है वो है 10th। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, टोटल विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मंडी में जो है वो 10 टोटल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, झंझियारधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो झंझियारधार जो है वो स्थित है बिलासपुर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, यशपाल अ फेमस हिंदी ऑथर बिलोंग्स टू विच प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस वर्तमान जिले से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं हमीरपुर से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, कामरू अ फेमस प्लेस लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कामरू जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, पार्वती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो पार्वती जो है वो सहायक नदी है ब्यास की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, अगर इन तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से बात की जाए तो मझथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अगर ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे छोटी है। ऑप्शन डी इसका वैसे तो सही आंसर होगा, मे बी ऑप्शन सी भी हो सकता है अगर इन तीन में से ही बात की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, फर्स्ट हेरिटेज सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज। तो पहली हेरिटेज सिटी जो है वो है मंडी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का एलोरा जो है वो कहा जाता है मसरूर रॉक का टेम्पल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आनंद चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो देखिए, बिलासपुर की जो ओरिजिनल कैपिटल थी वो थी सुनहानी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, और कोट कहलूर जो है वो भी बिलासपुर की ओरिजिनली कैपिटल रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, व्हेन डिड कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम स्टार्ट। भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1948 में स्टार्ट हो गई थी और 1956 में ये कंप्लीट हो गई थी। ये क्वेश्चन तो मैंने एक दो दिन पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, विच इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट सोलन। सोलन जो है वहाँ पर सर्वाधिक औद्योगिकृत जिला उसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वॉज मेनली इन्वेस्टेड इन। तो जब ब्रिटिश काल के दौरान जो था उस टाइम जो था वो मेनली इन्वेस्ट किया जाता था एग्रीकल्चर के ऊपर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच टाउन सिटी इन इंडिया हैज गॉट अ मीनार नेम्ड आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुंतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो ये एम जो था ये था महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए कौन सा संग्रहित पद प्रयुक्त होता था। तो उनके लिए जो प्रयुक्त किया जाता था, जो जैन की सेक्रेट बुक्स थी उनके लिए अंग जो था वो प्रयुक्त किया जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉरनर्स वॉज द फर्स्ट टू विजिट मैक्सथनीस जो था वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ
वैद्यत्री, तो वैद्यत्री का जो है अथर्वेदा पार्ट नहीं है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, रजिया सुल्तान वॉज डॉटर ऑफ, तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की डॉटर थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 है, द इब्दाद खाना वॉज मीटिंग हाउस बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर, तो ये जो था ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है, द रूल ऑफ लॉ इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये रूल ऑफ लॉ जो था ये ब्रिटिश की स्पेशलिटीज थी, ब्रिटेन की स्पेशलिटी थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 है, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है वो प्रियम्बल में जो है वो आर्टिकुलेट किया गया है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, तो क्वेश्चन नंबर 115 है, विच रिट इज कॉल्ड बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो हैबियस कॉर्पस को कहा जाता है बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 है, इन विच हाउस द चेयरमैन ऑफ दैट हाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, किस सदन में सदन का अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता, तो ये जो होता है ये राज्यसभा में होता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है, ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेंटर, तो ल्यूनर जब चांद का ग्रहण होता है उस समय अर्थ जो होती है वो सेंटर में होती है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 है, द नैरो स्ट्रिप विच कनेक्ट टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 है, एटमॉस्फेरिक वेपर्स आर ट्रांसपेरेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 है, कैलोरा डिसेंट्रीज एंड जॉन्डिस आर कॉज्ड बाय, तो ये वाटर के कारण होती है, वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज नॉन एज आर्यंस, तो प्रोटो ऑस्ट्राइड्स जो है वो कहा जाता है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, नाथुला पास इज लोकेटेड इन, तो नाथुला पास सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, बॉक्साइड इज द ओर ऑफ, तो बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम की ओर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो माइक्रोवेव जो है वो यूज की जाती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच मिरर इज यूज्ड टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, तो कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज किया जाता है मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 126 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, लॉक जॉ इज पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ, तो लॉक जॉ जो है वो टेटनस की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 है, विच अथॉरिटी डिसाइड अबाउट द स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, तो ये डिसाइड किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, बीएससी सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कंपनीज, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 30 कंपनीज जो है इसमें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 है, आरबीआई नेशनलाइज इन विच ईयर, तो आरबीआई जो था वो नेशनलाइज हुआ था 1949 में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट जो है वो रीजनिंग का पोर्शन चलता है, तो रीजनिंग के पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 131 जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 जो है, क्वेश्चन नंबर 132 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिफ्थ फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, तो क्वेश्चन नंबर 133 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 27th। क्वेश्चन नंबर 134 है, तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप, तो ऑप्शन बी अमूल जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 है, विच इंडियन जज हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी के एस राधाकृष्णन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 है, इंडिया हैज़ रिसेंटली इवैक्यूएटेड
पीस कीपिंग CRPF कॉन्टेंजेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन डी लीबिया जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। तो क्वेश्चन नंबर 137 है, क्वेश्चन नंबर 137 का जो है ऑप्शन बी डिजेक्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। तो इसमें आपको सही स्पेलिंग बतानी है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, और क्वेश्चन नंबर 139 का जो है ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ जो है वो सही आंसर होगा। दैट्स ऑल। तो जितना भी जीके का पोर्शन हमारे पास था इंक्लूडिंग रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, वो सभी हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।